अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति बंधन बिल आ गया, अधिनियम आ गया और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाएं न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा दो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा, जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम